चलिए खबर अब पन्ना से आपको बता दें, जहां 8 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। आमजन से दुर्व्यवहार करने का आरोप उन पर लगा हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने निलंबन उनका किया। पुलिस विभाग में अब इससे हड़कंप मच चुका है। तो पन्ना से ये खबर हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। 8 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। दरअसल आमजन से दुर्व्यवहार करने का आरोप इन पुलिसकर्मियों पर लगा है और इसी के चलते कार्रवाई की गई है। 8 पुलिसकर्मियों के निलंबन की, पुलिस अधीक्षक ने इन सभी 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। तो देखिए इस कार्रवाई से अब पुलिस विभाग में ही हड़कंप मच चुका है। बताया जा रहा है कि आमजन से दुर्व्यवहार का आरोप इन पर लगा हुआ है, जिन 8 पुलिसकर्मियों का निलंबन हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया है सभी 8 पुलिसकर्मियों को, और ये आमजन से दुर्व्यवहार करते थे। जिस तरह पुलिस जो है सेवक मानी जाती है जनता की एक तरह से, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही तस्वीरें जो है नजर आ रही थी। दुर्व्यवहार किया जा रहा था आम जनता से, और इन्हीं सभी सूचनाओं के आधार पर अब ये कार्रवाई की गई है। 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, 8 पुलिसकर्मियों का निलंबन हुआ है और बताया जा रहा है कि आमजन से दुर्व्यवहार ही करते थे। बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई है और सीधे तौर पर पन्ना एसपी पुलिस अधीक्षक ने सीधा संदेश दिया है कि पब्लिक डोमेन के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका व्यवहार बहुत ही कुशल होना चाहिए और जिस प्रकार की जो गतिविधियां हैं पुलिसिंग की वो पूरे तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए। ये आरोप लग रहे थे कि जो मादक पदार्थ हैं और जो नशे के पदार्थ हैं वो लगातार शहर में बिक रहे थे, जिसमें कंट्रोल नहीं हो रहा था और कुछ पुलिस वालों की लिप्तता इसमें सामने आई थी, जिसकी जाँच के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा जा सकता है कि एक संदेश नया पुलिस ने दिया है कि कार्यप्रणाली के साथ ही व्यवहार भी एक अहम कार्य होता है जो कि करना चाहिए पुलिसकर्मियों को। फिर आ चुकी है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ। नमस्कार।